देखिए, एक तरफ बीजेपी ने यहाँ पर भ्रष्टाचार का मुद्दा भी उठाया, परिवारवाद की भी बात की, कच्चा थी वो आपको लगता है आदिति, बस एक ऐसा मुद्दा रहा जो आया और चला गया, या कहीं ना कहीं कोई एक इम्पैक्ट छोड़ कर गया? भ्रष्टाचार तो क्योंकि नेशनल पर्सपेक्टिव में मुद्दा है ही, परिवारवाद एक ऐसा मुद्दा है जिसकी बात प्रधानमंत्री हर एक मंच से करते हैं, वो तमिलनाडु में भी उन्होंने की। और देखिए, अन्नामलाई की हम बात कर रहे हैं, अन्नामलाई की तस्वीरें इस वक्त आ चुकी हैं, और अन्नामलाई, जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया, बीजेपी का सिंघम अन्नामलाई को इसीलिए तमिलनाडु में किया जा रहा है क्योंकि खुद प्रधानमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु इस बार बड़ा बदलाव देखेगा। ये खुद प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से एक स्ट्रेटजी में बदलाव हाँ। यहाँ पर आप देखिए, वैसे तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में ऐसे चेहरों को मुख्यमंत्री बनाया गया जिनको कोई बहुत बड़ा स्टार उनका नहीं है, स्टारडम नहीं, नहीं। अन्नामलाई इतना एकदम से पिच पे, मतलब क्यों है इतना इंपॉर्टेंट? उत्तर में जो राजनीति है वो अलग है, वहां पर आप किसी स्टारडम चेहरे को नहीं ले रहे। शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे, रमन सिंह बैक सीट पे चले गए, स्टारडम थे वो, लेकिन साउथ में इनको स्टारडम की जरूरत है। साउथ के लोग अपने लोकल लोगों से जुड़ते हैं। आपने थोड़ी देर पहले एक बच्ची ये बोल रही थी छिंदवाड़ा से कि हम उसको वोट करेंगे जो हमारे बीच रहेगा। एक ये सेंटिमेंट है, आप देखिए, वैसे ही साउथ के लोग डेफिनेटली उन्हीं को वोट करना चाहते हैं जो उनके इलाके के लोग हैं। इसीलिए साउथ में इनको स्टारडम चाहिए, साउथ में इनको लोकल ऐसा नेता चाहिए। और ये ऐसे हैं जो आईपीएस थे, उसके बाद ये आए, तो ये कह दिया था नो ओपीएस, नो एपीएस, ओनली आईपीएस। क्योंकि यही प्यार और आशीर्वाद वोटों में तब्दील करने की कोशिश है ताकि जीत दर्ज की जा सके।